क्या हो गया तुम्हें? बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा पीट रहा हूँ, खोल ही नहीं रहे। कहाँ, बाथरूम में थे? हाँ जी जी जी, वॉशरूम में था मैं, वॉशरूम में। रवि, फोन भी किया मैंने तुम्हारे मोबाइल पे, तुमने रिसीव ही नहीं किया। मोबाइल? हाँ वो तो कमरे में पड़ा है, साइलेंट साइलेंट। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ है, क्या कोई परेशानी है? नहीं, कुछ टेंस लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, परफेक्टली फाइन, कोई कोई बात नहीं। श्योर? लो भिंडी, ओह तुम्हारी पसंद की सब्जी, आपकी वालदा साहिबा ने भेजी। सॉरी यार, मुझे देर हो गई पहुंचाने में ज़रा। एक्चुअली मुझे क्लाइंट के साथ जाना था, उसे घर दिखाना था। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, लेकिन खाना तो मैं खा चुका हूँ। तो हाँ, वो फ्रिज तो है, फ्रिज तो है, रुको सुबह गर्म करके खा ले। खा ले, चलो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, वो चाय पी के जाए। नहीं नहीं यार, नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बस घर जाऊँगा, आराम करूँगा कुछ देर। नहीं ना, 10 मिनट लगेंगे, कुछ बातें बातें भी कर लेंगे। आ जाए, आ जाए प्लीज। लीजिए, चाय है तैयार बगैर चीनी के। अम्मा कैसी हैं? अम्मा तुम्हारी ठीक हैं, बस तुम्हारे लिए परेशान है। और परेशान करना उन्हें, ये तो मैं चाहता हूँ। लकी आदमी है यार, लड़के आ गया। हमें देख, हम वहीं पे फंसे हुए हैं, पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारी है, हमें तो अकेला रहने भी नहीं देती। तो आ जाए ना, कब से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे बताएं। तो मैं कर भी लूंगा ज्वाइन, लेकिन ये जहन में रखना कि फिर वो साथ आएगी मेरे। मैं नहीं छोड़ना चाहता था घर। अब्बा जी, नहीं अच्छा लगता मुझे यहाँ अकेले रहना, बिल्कुल तो ना आप लोगों से दूर। लोग याद आते हैं मुझे यार, मिस करता हूँ मैं अम्मा को, आपको बहुत मिस करता हूँ। क्या करता मैं, बेबस हो गया था। सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था अम्मा को कि गलत किया उन्होंने। चले मैम, बेटा हूँ मैं उनका, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ जो भी किया कोई बात नहीं, उस पर इतना दुख नहीं है मुझे। लेकिन किरण के साथ, उसकी अम्मा के साथ, तब भी यकीन जाने अब्बा जान, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब अम्मा ने मोहल्ले वाली औरतों में अजीब अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी, कितनी बुरी बात है ये। फिर बेटी है वो किसी की, इज्जत है किसी की। बस तब मैंने सोच लिया कि नहीं, ये मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। वही तकलीफ, वही दुख, वही एहसास अम्मा को भी देना पड़ेगा। और वो किरण, खुदा गवाह अब्बा जान के एक दफ़ा भी उस लड़की ने अम्मा के खिलाफ कोई बात की हो। हमेशा उसने मुझे ये बोला, जैसे अम्मा अब्बा कहते हैं वैसा करो। दिल से बताइएगा, जो लड़की शादी से पहले इतना पॉजिटिव सोचती है अम्मा को लेकर, आपको लेकर, मुझे लेकर, घर वाले माहौल को लेकर, वो क्या शादी के बाद आप दोनों को तकलीफ देती? मुझे दिल से बताइएगा, जो आपके दिल में आपने वो बताना है, प्लीज़। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच बताए। इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? इतनी लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी गई। अरे बाबा, ऐसे ही होता है, औरतें ऐसे ही करती हैं जब माँ बन जाती हैं। तो अपने बेटे को ओन करती हैं बाबा, इसी तरह तेरी माँ तुझे ओन करती है ना। कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने ताई यही समझती है ना कि वो सही है, सिंपल। लेकिन चलो बात करूंगा उससे। नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको बात करने की, हमने पहले भी 3 दफा बात की है। बिल्कुल बात नहीं करेंगे आप। और उन्हें कौन सा फर्क पड़ जाना है अब्बा जी? उन्होंने आज तक वही किया है जो उनकी समझ में है, जिस चीज पर उनका बस चलता है वो वही करती है। अच्छा भाई, चलो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि जो तेरे लिए बेहतर है अल्लाह वो करे बस। लेकिन बहरहाल चाहे तरीके से बात करो, लेकिन बात तो करूंगा जरूर। मतलब क्या हो जाएगा यार, मतलब बोलेगी, बड़बड़ करेगी ना, यही करेगी ना।
तो करे, तो नई बात थोड़ा है, सारी जिंदगी सुनता है, अब तो कान में मेरे जो है वो बंद हो गए सुन सुन के। चले ये भी करके देख लीजिएगा। अच्छा चाय तो पिए नहीं, अब तेरे पास बैठ के चाय पी रहा हूँ ना, इसमें भी 100 ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। तुम तो सिर्फ भिंडी देने गए थे, तुम वहां चाय पीने क्यों बैठ गए? किरण ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा भाई? सिग्नल तो पूरे दिखा रहे वाईफाई। क्या बात है किरण? अम्मी अगर कोई बूढ़ा अजनबी बाबा आपसे आपका नाम लेके मुखातिब हो तो क्या मतलब है इस बात का? बूढ़ा अजनबी फकीर वो मुझसे मेरा नाम लेके बात कर रहा था। क्या कह रहा था वो? तुमने बात मुझे सुबह क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि आप सुबह सुबह खामखा परेशान हो जाएंगे मेरी वजह से और फिर आप सारा दिन परेशानी में रहेंगे। अच्छा बताओ क्या कह रहा था वो? बोलो। यही कह रहा था कि पढ़ो, नमाज पढ़ा करो। लेकिन आखिर में उसने बहुत ही अजीब बात की। क्या बात कही? उसने मुझे कहा कि उसे अकेला मत छोड़ना, उसे तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी, किसको अकेला छोड़ा है मेरे? आपको, फवाद को या फिर खुद को? यार मैं नहीं डर रहा हूं, नहीं लग रहा मुझे डर। ना मैं डरूंगा, जिंदगी से तंग आ गया मैं अपनी, हर एक से नफरत हो रही है मुझे, खुद से जंग ले रहा हूं। तुमने मुझे मजीद तंग किया तो मैं और लगा दूंगा इस घर को। यार सुना तुमने, आग लगा दूंगा मैं इस घर को। एक तो मेरे घर मेरी चीजों पर कब्जा कर लिया, ऊपर से धमकी भी मुझे दे रहे हो। दिल तो करता है रख के दो थप्पड़ लगाऊं साहब, पर पता नहीं क्यों हाथ नहीं उठ के दे रहा मेरा।
मेरी मुट्ठी में था कनू, कनू आया था, कनू आया था। 15 दिन की मेहनत जाया हो गई। ये आप क्या कर रही हैं बड़ी? आपको पता है ना कि बाबा ने हमें ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं लोगों की भलाई के लिए कर रही। इसका मतलब है मेरा वजीफा कामयाब था, बस एक गफलत हो गई, एक गफलत। मैं फिर करूंगी, उसको अपनी मुट्ठी में लेकर आऊंगी। मुझे पता है ये सब आप क्यों कर रही हैं, खुद को ताकतवर करने के लिए। दिलनवाज कुछ नहीं कर सकते, उसको यह होना चाहिए था, कनूज मेरी मुट्ठी में था। कुछ नहीं कर सकती, आज मैं मर सकती थी। सूरज जिन पढ़ो, भूखो मुझ में, सूरज जिन पढ़ो, भूखो। अच्छा बिल्किस, लेकिन आज कैसे इतनी जल्दी? तो अच्छा चलो ठीक है फिर। मैं भाई ऐसा करती हूँ कि चाय के साथ बिस्किट वगैरह का बंदोबस्त कर लूंगी, ठीक है ना? तुम आ रही हो ना? चलो फिर ठीक है, ठीक है। अमीन जी आज शाम? हाँ बेटा, वो बिल्किस कह रही थी कि वो आना चाह रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं ना, रिश्ता थोड़ी ही तय हो जाएगा। लेकिन फिर भी अम्मी जान इतनी जल्दी? हाँ वो बेटा बिल्किस कह रही थी कि वो लोग आज दरअसल तुम्हें देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बस उनका बेटा अपने बिजनेस के किसी सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है 1-2 महीने के लिए, तो उससे पहले वो चाहते हैं कि दुआएं खैर हो जाए। जैसे आपकी मर्जी है। इसे भी देखो ना बेटा, हमने भी तो बस मिलना है ना, देखना है, परखना है, ऐसे ही थोड़ी हाँ कर देंगे। वैसे एक बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी, किरण, उन्होंने बिल्किस को साफ मना कर दिया कि कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। भाई अब इतनी जल्दी का है तो मैंने सोचा कि मैं पीस लेती हूँ कबाबों का, चाय बिस्किट और कबाब, बस यही हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा तुम तैयार हो जाना, है ना? इसे कहते हैं माँ, मुझे तुम्हारा कितना एहसास है। आज मैंने तुम्हारे पसंद की डिश बनाई और मैंने सोचा तुम्हें लेकर आ जाऊं, और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उस चुड़ैल के पीछे मुझसे लड़कर तुम चले गए। एक दिन रोओगे तुम, खून के आंसू रोओगे मुझे याद करके फवाद,
फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि माँ कैसी होती है। बड़ी ने मौकिल को कब्जे में करने के लिए दोबारा से वजीफा शुरू कर दिया है ना? जी छोटी बीबी, आज ही मुझसे सारा सामान मंगवाया। दिलनवाज, तुम कुछ भी करके बड़ी को इस वजीफे से रोक नहीं सकती? मैं क्या कर सकती हूँ छोटी बीबी, मैं तो खुद इनकी गुलाम हूँ। वजीफे करके इन्होंने कब्जे में किया मुझे। बड़ी की जान को खतरा है ना? जी छोटी बेबी, और वो इतनी आसानी से काबू नहीं आएगा। उसे भी पता चल गया होगा कि हजरत बीबी उसके लिए वजीफे पढ़ गई, वो पहले से ज्यादा मोहताज होगा। दिलनवाज, कोई तो तरीका होगा बड़ी को इस अमल से रोकने के लिए। चुप क्यों हूं? बोलो ना। मैं कोशिश करके देखती हूँ। सुनो, फवाद कहाँ है? आंटी, डॉक्टर फवाद की तो आज ऑफ है। तो यही होगा ना, किसी कमरे में होगा। जी, पर वो हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है, कहाँ जा सकता है? सिस्टर। जी सर। बेड नंबर 16 के पेशेंट को जाके इंजेक्शन लगाई। जी सर। आंटी, डॉक्टर फवाद तो अब कल ही आएंगे। कहाँ जा सकता है? एक्सक्यूज मी आंटी, आप फवाद की मदर हैं? जी। मुझे बताया था कि अब्बू ने घर लिया है भादराबाद में। अब आप ये देखिए कि घर से हॉस्पिटल में कितना डिस्टेंस है, मगर मजाल है कि वो एक भी दिन टाइम पर आ जाए। क्या वो आप गई नहीं? जी सर, जा रही हूँ। फवाद, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ? नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, मैं कोई और देख लेता हूँ। क्यों नहीं अच्छा भाई? तुमने मुझे कहा था कि तुमने मेरी पसंद से शॉपिंग करनी है, तो मुझे तो यही पसंद है ना। हाँ, मैंने कहा था, देखो बहुत ही अंकल टाइप लग रहा है यार। नहीं अंकल टाइप, बहुत अच्छा है। किरण, बहुत महंगा ही नहीं ले सकता। कोई महंगा नहीं है, कभी तो अपने पर भी खर्चा कर लेगा। देखो कितने अच्छे तुम तो, बहुत ही बिल्कुल सही है, कोई सेल वेल नहीं लग रही। जाओ ट्राई करो बस। ओके ओके ओके, वादा करो कि फिर सारी जिंदगी मेरे कपड़े तुम्हें इसलिए करोगे और मेरी जेब में कुछ नहीं बचेगा। सही सी बात है, मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लेने पड़ेंगे। इतनी बुरी चॉइस है तुम्हारी। हाँ वैसे सही कह रही, मेरी चॉइस तो वाकई बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी। छाटा जाओ ट्राई करो। पता नहीं कब से मेरे बेटे को उस नागर ने अपने कब्जे में किया हुआ है।
क्या पता अकेले घर में वो डायन फवाद से मिलने जाती हो। मेरे पीठ पीछे अभी तक चक्कर चल रहा इन दोनों का। उस डायन का जादू तो मैं उतार कर रहूंगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से यही घर है, हमें यही घर है। बेटा मुझे तो मालूम नहीं, बिल्की साथी होगी, उसे फोन कर दो ना। मोबाइल नंबर तो उनका आपके पास है। देखो शायद इन खातून को पता होगा, इनसे पूछो। अच्छा मैं इनसे पूछता हूँ। उसमें आंटी अफ्जा साहिबा का घर यही है क्या? बदकिस्मती से बराबर वाला है। बदकिस्मती से? ये आप क्या कह रही है? पड़ोसियों के तो बहुत हकूक होते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे पड़ोसियों से तो अच्छा है जंगल में घर लेके बंदा रहना शुरू कर दे। ये मोहल्ले में हमारे लिए कलंक का दाग है दोनों माँ बेटियां। आप लोग कौन है? उनके रिश्तेदार हैं? शक्ल से तो नहीं लग रहा। बिल्कीस आंटी आ गई है। ओ बिल्कीस, अच्छा मेरे बेटे को घर से बेघर करके उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करके अपनी बेटी की शादी करवाने जा रही है। अफशा मेरे बराबर वाले घर में रहती है और उसी की बेटी का रिश्ता करवाने के लिए आप अपने बेटे को लेकर आई है ना। बहन एक बात कहूँ, वो लोग किरदार के अच्छे नहीं है। बेहतर है रिश्ता करवाने से पहले मोहल्ले वालों से पूछ लेना चाहिए कि वो लोग किस किस्म के। मेरा फर्ज था आपको बता देना, आगे आपकी मर्जी है। आ गए आप लोग? आप लोग गलत गली में आ गए, उनके घर का रास्ता पिछली तरफ से है। आया बेटी। हाँ मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। बैठे बैठे। माशाल्लाह, ये बड़ी प्यारी लड़की है मेरी बच्ची। हमें बेटा वो अभी सिर्फ देखने आ रहे हैं, रिश्ता तो पक्का नहीं हो रहा ना। समझ में ना आया तो माजरत कर लेंगे बस। अब ये फोन क्यों कर रहे हैं? हाँ तुम इसको मना कर चुकी हो ना फाइनली, अब इसको क्या तकलीफ है? अम्मी मैंने मना कर दिया था फाइनली, अब वो खुद किए जा रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो किरण बेटा अभी भी सोच लो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, अगर तुम कहो तो मैं। अम्मी आप क्यों एक ही बात को बार बार नए सिरे से मेरे सामने पेश करती हैं? मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि मैं उस औरत की बहू नहीं बनूंगी जिसने आपके और मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल। क्यों नहीं समझ आती आपको? ठीक है अम्मी, उसे बता देती हूँ कि आज मेरा रिश्ता पक्का है और अब वो मुझे मेरी जिंदगी में सुकून से रहने दे, मुझे तंग ना करे। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए, मैं जा रही हूँ। आइए ना प्लीज, आइए आ जाए प्लीज, आओ बेटा। कोई मुश्किल तो नहीं हुई आप लोगों को हमारा घर ढूंढने में? भाई बिल्कुल साथ है तो फिर परेशानी भला कैसी। आप लोग बैठे ना प्लीज प्लीज प्लीज, तशरीफ रखें। मैं बैठो बेटा। अच्छा मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। क्या बात है, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, रशीदा बाहर इन लोगों को मिल गई थी। या अल्लाह कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कह दिया? कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन इनकी माँ मुझे बहुत खिंची खिंची सी लग रही है। पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी रशीदा इनसे खड़े होकर।
मुझे तो शहरे से ये लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या कहा है। अच्छा अभी तो आओ ना। यहीं रखी थी, कहां गई? एक दफा पता चल जाए अभी के अभी वहां जाकर फवाद के कान पकड़कर यहां ले आऊंगी। खालिद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मेरा बच्चा कहां रह रहा है। पता नहीं कैसा घर है, अकेला किन हालतों में रह रहा होगा। किरण, आप साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हैं ना? जी, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। साइकोलॉजी में ही क्यों? आप ये और सब्जेक्ट भी तो चूज कर सकती थी। मैं समझती हूँ कि अगर इंसान की नफ्सियात समझ कर उससे कोई भी ताल्लुक रखा जाए तो हम किसी भी रिश्ते को बहुत मजबूत और बहुत अच्छा बना सकते हैं। असल में रिश्तेदारियों में पढ़कर हम अगले की पसंद और नापसंद को इग्नोर कर देते हैं। जिसकी वजह से काफी रिश्ते खराब होते हैं। मेरी बेटी है ही बहुत ज़हीन। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमेशा ट्रॉफी लेती आई है। और पता है, इस साल तो अंग्रेजी और उर्दू दोनों तकरीरी मुकाबलों में अव्वल पोजिशन लिया इसने। वो असल में आपसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो आपके पड़ोस में खातून हैं, उन्होंने आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की थी। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद तो वो सारी बातें गलत साबित हुई। माशाल्लाह से आप लोग तो बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं। मेरा ख्याल है हर पड़ोस में कोई ना कोई एक जेलिस पर्सन जरूर होता है। अरे बात दरअसल में ये नहीं है, असल में लोगों से दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वैसे हमें तो किरण भाभी बहुत अच्छी लगी। चलिए जी, उसने तो अभी से भाभी मान लिया। Excuse me. शर्मा गई बच्ची। भाई बेगम, मेरा वोट तो हाँ में है। चले जी, अगर आपका वोट भी हाँ में है तो मेरा ख्याल है कि इसी बुध को कोई अच्छी सी रस्म कर ली जाए। हाँ, और इसी खुशी में चाय पीते हैं। जरूर। Thank you.
हेलो किरण, कहाँ हो तुम यार? क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी बात गौर से सुनो फवाद। मैं किरण की शादी करने जा रही हूँ, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, और वो भी इसमें खुश है। एक बात गौर से सुन लो, तुमने या तुम्हारी माँ ने अगर मेरी बेटी का रिश्ता खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बस बहुत हो गया, अब तो हम तुम्हारे घर रिश्ता नहीं करें ना। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारी माँ का? हाँ क्यों, क्यों वो मेरी बच्ची के होने वाले ससुराल वालों के सामने उसको जलील कर रही है? क्यों बदनाम कर रही है? बहुत हो गया।